कहानी तब की है जब फोन, एसएमएस और ईमेल कुछ भी नहीं थे। लड़ाई या तकरार की स्थिति में मित्रों को ही संदेशवाहक का काम करना पड़ता था और संदेशवाहक अपनी तरफ से संदेशों में थोड़ा सा जोड़, थोड़ा सा घटाकर मामला दुरुस्त कर देते थे। था ना बढ़िया सिस्टम। अब आईआईटी कानपुर के सालाना सांस्कृतिक उत्सव गैलेक्सी की तैयारियां उन दिनों जोर शोर से चल रही थी। 93 बैच वालों की तरफ से हास्य नाटिका के रिहर्सल में रानी और कंसल मुख्य किरदार थे। अब कंसल ने कुछ चिटकाई ली, यानी रानी की सुंदरता को लेकर कुछ कहा और रानी तुनक कर ये भागी और वो भागी, कंसल उनके पीछे पीछे। रानी हल्के बदन की थी और 5 किलोमीटर की रफ्तार से भागती थी। कंसल थोड़ा खाते पीते घर का था और उसके पीछे पीछे 3 किलोमीटर की रफ्तार से भागा। कंसल रानी को मनाना चाहता था। अब स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हमने तुरंत ही अपने लंबे धुरी के धावक विनीत को बुलाया। विनीत पढ़ाई में और चाल में दोनों में ही बहुत तेज था। विनीत 10 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता था और वो तुरंत ही संदेशवाहक का रोल अदा करने लगा। वो रानी का संदेश कंसल को और फिर कंसल का संदेश रानी को लगातार देता रहा। कंसल से गलती हो गई है, अब मान भी जाओ। नहीं, वो हमेशा ही टांग खींचता रहता है, कभी मेरी नहीं सुनता, उसको ये सबक सीखना ही होगा। और इस तरह से ये संदेशों का सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा और तब तक रानी आईआईटी गेट तक पहुंच चुकी थी। 1 घंटे के बाद उसकी सांसें फूली हुई थी। अब गैलेक्सी को मद्देनजर रखते हुए विनीत ने मामले को सुलटाया, ये कहकर कि आगे से कंसल और विनीत दोनों ही रानी के सारे असाइनमेंट करेंगे। अब रानी ये मौका कहां चूकने वाली थी, तुरंत गुस्सा ठंडा। खैर जो भी हो, मामला बिल्कुल सुलटा और कंसल और रानी वापस से राजी हो गए। अब आपको ये बताना है कि 1 घंटे बाद जब ये मामला ठंडा हुआ तो उस समय हमारा संदेशवाहक विनीत सड़क पर कहां था, उसका मुंह किसकी तरफ था, रानी की तरफ या कंसल की तरफ, वो रानी के पास था या कंसल के पास या बीच में कहीं, उसकी सड़क पर सही स्थिति क्या थी। आप ये मान सकते हैं कि हमारे तीनों पात्र सैक से एक साथ ही एक समय पर निकले और सीधी सड़क पर आईटी गेट की तरफ दौड़ रहे थे। खैर खुशी की बात यह है कि इस हादसे की वजह से हमारा हॉल यानी हॉल 2 गैलेक्सी जीत गया और रानी और कंसल और विनीत की मन की दूरियां भी सिमट गईं। तीनों ही पात्र भारत और अमेरिका के अलग अलग शहरों में रहते हैं और खुश हैं।